लोग जॉब सीकर नहीं जॉब गिवर बने मोदी सरकार की एक बड़ी पहल रही है। इसी पहल में देश भर में कई जगह बीपीओ खोले जा रहे हैं, जिससे कई लोगों की नौकरी की तलाश को मंजिल मिल रही है, तो किसी को बीपीओ खोलने में सरकार का सहारा। इसी पहल से सबका साथ सबका विकास का मंत्र हर एक व्यक्ति तक पहुंचता नजर आ रहा है। ये सब कैसे जिंदगियों में बदलाव ला रहा है, आइए देखते हैं। ये है अहमदाबाद में रहने वाले विशाल। विशाल पार्शियली ब्लाइंड है। बीएड एमएड करने के बावजूद विशाल को कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, तब हाथ थामा एक बीपीओ ने और आज विशाल 12,000 की नौकरी कर रहे हैं। कि मुझे विजन का प्रॉब्लम है, उस हिसाब से कोई चांस नहीं दे रहा था जॉब के लिए। फिर मैं यहाँ आया, यहाँ से मिला एचआर वगैरह से, उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया और मैंने बोला कि एक चांस दीजिए, उन्होंने मुझे चांस दिया। जैसे पहले कुछ चीज़ लेनी हो तो पापा से पैसे मांग रहे थे, अब ऐसा है कि महीना ख़त्म होने के बाद हम बोल सकते हैं कि भाई हम उनको कुछ भी जैसे भी कुछ भी नॉमिनल दे तो वो भी खुश होते हैं कि भाई हमारा बेटा हमें कुछ दे रहा है। मेरे साथ मेरे सारे दोस्त यहाँ पे जॉब कर रहे, उनको देखेंगे तो कई दूसरे लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि भाई हाँ हमें भी जॉब मिलेगी। जिस कॉल सेंटर में विशाल काम करते हैं उसका खुलना मुमकिन तब हुआ जब सरकार ने इसे खोलने में मदद दी। ये है एक युवा व्यापारी निधि शाह। निधि यूं तो अपने पिता के व्यापार में सहयोग किया करती थी, लेकिन सरकार की IBPS योजना के बारे में पता चलने के बाद निधि और उनके पिता ने बीपीओ खोलने के लिए टेंडर भरा, जिससे आज वो 400 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। सरकार हमें 50% जो भी हम लोग का इन्वेस्टमेंट हो उसका 50% कैपेक्स और ओपेक्स हमें इंस्टॉलमेंट में, 3 इंस्टॉलमेंट में, 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट में देती है। IBPS स्कीम है, उसकी मदद से हमने अभी 400 एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी जनरेट कर लिए है। हम 750 एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का टारगेट लेके बैठे हैं। अगर नहीं होती IBPS स्कीम तो शायद हम इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेते, 100, 150 to maximum 200 सीट्स कर सकते थे। वी हैव 48,300 सीट्स, सो गवर्नमेंट गिव्स द फाइनेंशियल सपोर्ट अप टू 1 lakh पर सीट एज ए वायबिलिटी गैप फंडिंग। सो दैट इज कॉल्ड, इट इज़ कमिंग 50% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ऑल्सो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनिट विच इज़ इंकरिंग फॉर एस्टेब्लिशिंग ऑफ द IBPS यूनिट। IBPS स्कीम जो है उसका उद्देश्य ही है कि छोटे शहरों में BPO अधिक से अधिक खुले, ताकि वहाँ के जो युवा है जो उनको रोजगार मिले वहीं बैठ के, उनको शहर में आने की, बड़े शहर में आने की आवश्यकता ना हो, वो वहीं अपनी जगह पे बैठ के रोजगार पा सकते हैं और साथ में वहाँ इन्वेस्टमेंट के बढ़ेगा। आज ये BPO कई कॉलेज के विद्यार्थियों और गृहिणियों के लिए नौकरी का बेहतरीन विकल्प है। इसमें फ़र्क यह है मैम कि मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली, प्लस मेरे फैमिली को उससे मदद हुई। मैं, मेरी सिस्टर की शादी थी तो मैं मेरी मम्मी को भी मदद कर चुका, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जॉब करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, प्लस अपना पढ़ाई भी कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर गांव के नज़दीक में जैसे 20-25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर कोई ऐसा खुल जावे बराबर, तो बहुत सारे युवाओं को फ़ायदा होगा। मेरी मम्मी और पापा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनको थोड़ी हेल्प हो जाए, उसकी वजह से मैं जॉब कर रही हूँ, ताकि घर में भी थोड़ी हेल्प हो जाए। मैरिड वुमन्स है तो अपनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपने खुद के हिसाब से हम लेना चाहते हैं, और अपनी खुद के लिए भी हमको ऐसा लगता है कि हम घर के अंदर ये ला सकते हैं, वो ला सकते हैं, तो फिर जब हम अपने हिसाब से कुछ काम करते हैं तो सोचना नहीं पड़ता है। तो फिर हम जैसे कि यहाँ पे ऐसे वर्क करते हैं तो इनकम हमारी आती है, तो उस पैसे से हम सोच सकते हैं। केवल एक हफ्ते की आसान सी ट्रेनिंग और 10,000 से 30,000 तक की नौकरी, तो कौन नहीं चाहेगा एक कॉल सेंटर में नौकरी करना। सैलरी, क्योंकि यहाँ पे BPO सेक्टर में हम सैलरी भी अच्छी प्रोवाइड करते हैं, और तीसरा वो लोग जस्ट मतलब वो लोग जो बंदे होते हैं वो कॉलेजियन पीपल ज़्यादा आते हैं, और तो उनको सीखने की ज़्यादा जरूरत, मतलब सीखने की धगस होती है, तो वो सीखने के लिए भी हमारे पास में आते हैं। तो इस लोग को मैं यहाँ पे रिक्रूट करता हूँ, उनको पहले कुछ नहीं आता था रिगार्डिंग कस्टमर सर्विस या सेल्स। ट्रेनिंग के बाद स्टार्टिंग फ्रॉम मिनिमम 10,000 से 25-30,000 25-30,000 तक उनका सैलरी स्केल जाता है। तो 5 साल पहले अहमदाबाद में यू कैन काउंट BPOs ऑन फिंगर टिप्स, एम्प्लॉयमेंट उतना नहीं था। मैंने यहाँ पे अगर 400+ एम्प्लॉयज़ को अगर एम्प्लॉयमेंट
दिया है, तो आप सोच सकते हैं कि यह पूरे देश में कितने अपने युवा पीढ़ी को एम्प्लॉयमेंट दे सकेगा। इस योजना से कई लोग नौकरी के सपने को साकार कर रहे हैं। देश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में खुले ऐसे कॉल सेंटरों से ही तो डिजिटल हो रहा है इंडिया, और ऐसे ही कदमों से हर हाथ को काम के संकल्प को मोदी सरकार पूरा कर रही है।